चारधाम यात्रा में लगातार सामने आ रही भीड़ प्रबंधन संबंधित शिकायतों के बीच अब केंद्र ने निगरानी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चारधाम यात्रा की प्रतिदिन की रिपोर्ट मांगी है। भीड़ प्रबंधन को NDRF और ITVP मदद करेगी। मंत्रालय ने भविष्य में यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के लिए कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को वर्चुअल रूप से राज्य में चारधाम यात्रा की अधिनत जानकारी दी। केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव को धामों, यात्रा मार्गों एवं ठहराव स्थलों में यात्रियों की रिपोर्ट प्रतिदिन गृह मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर यात्रा मार्ग पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए NDRF ITVP की मदद लेने के भी निर्देश दिए। भविष्य में चारधाम यात्रा प्रबंधन की रणनीति के लिए कमेटी के गठन के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने धरातल स्तर पर यात्रा प्रबंधन पर कड़ी निगरानी पर भी विशेष बल दिया है। आपको बता दें, शुरुआत के 10 दिन में ही केदारनाथ धाम में 3,19,000, बद्रीनाथ धाम में 1,39,000, गंगोत्री धाम में 1,28,000 और यमुनोत्री धाम में 1,38,000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में पहले 10 दिन में जिन श्रद्धालुओं में दर्शन के वो आंकड़ा पिछले 2 सालों से 127% अधिक है। गंगोत्री धाम में पहले 10 दिनों में बीते 2 सालों की तुलना में उनमें 89% अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में पहले 10 दिन के भीतर 156% अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में पिछले 2 सालों की तुलना में इस बार भी अभी तक 27% अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मुख्य सचिव ने गृह सचिव को बताया कि राज्य में चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक सुरक्षित, सुगम व सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने विशेषकर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जहां से सबसे अधिक यात्री चारधाम पर आते हैं उनके मुख्य सचिवों को पत्र और व्यक्तिगत तौर पर बातचीत कर अनुरोध किया है। यदि यात्री सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद ही चारधाम यात्रा पर आएँ, पंजीकरण की तिथि पर ही चारधाम यात्रा पर आएँ, साथ ही व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 मई चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। यात्रा में अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से चल रही है। सभी श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा का वो मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये VC रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल CAPF फोर्स के लिए भी कहा कि ITVP NDRF के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहाँ से ज़्यादा यात्री आते हैं, जो top 5 प्रदेश हैं जहाँ से अधिक यात्री चारधाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चार धाम पर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा देने के लिए कृतसंकल्पित है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्राउंड जीरो पर जाकर इसमें व्यापक सुधार भी इस यात्रा में किया गया है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वो भी इसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ यात्रा को ले रही है और यात्रा की व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी लगाया जाएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसके लिए वो किया गया और हमारी डबल इंजन सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा में पहले 10 दिन के भीतर ही रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा मार्ग परिवहन के 4 हाईटेक चेक पोस्ट बनाए गए, 56 टूरिज्म पुलिस केंद्र और 20 पार्किंग स्थल बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 12 स्थानों पर 50 स्क्रीनिंग कियोस्क लगाए गए। पुलिस की ओर से 850 CCTV कैमरा, 8 ड्रोन कैमरे लगाए गए। केदारनाथ रूट पर बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। 657 पर्यावरण मित्र भी तैनात किए गए हैं।